बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब देश के नाम से जाना जाता है, जो कि गरीब देशों में सबसे पहले नंबर पर आता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे बुरुंडी के बारे में कि आखिरकार वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और यह देश कैसे गरीब देश के नाम पर तब्दील हो गया। आखिरकार यहाँ के लोग कितने हैं, यानी कि इसकी आबादी कितनी है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको इसी तरह के और भी नए नए जानकारी देखने को मिलते रहें। इंग्लैंड और अमेरिका के द्वारा यहाँ पर शासन करने के बाद भी जब यह देश आजाद हुआ तो इस देश की हालत बहुत अच्छी थी। ये कई साल पहले एक अमीर देश के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1996 से लेकर 2005 तक यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जातीय संघर्ष छिड़ गया और इसके कारण इस गिरी युद्ध में लगभग 200,000 लोग मारे गए और यहीं से देश की आर्थिक स्थिति में गिरावट शुरू हुई जो आज तक जारी है। और फिर धीरे धीरे यह भी दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आने लगा और बुरुंडी इस तरह से दुनिया का सबसे गरीब देशों में से पहले नंबर पर आता है। जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं उस गांव को देखने कि आखिरकार वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो बुरुंडी एक अविकसित विनिर्माण क्षेत्र वाला एक भूमि से घिरा संसाधन गरीब देश है और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 40% से अधिक है। यहाँ के लोग कृषि तो करते हैं, लेकिन ये इतने ही कृषि कर पाते हैं कि वहाँ के लोगों का आधी जनसंख्या का भूख मिट सके और यह 90% से अधिक आबादी को रोजगार भी देता है। बुरुंडी का प्राथमिक निर्यात कॉफी और चाय है, जो विदेशी मुद्रा आय के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार होता है। सबके मन में एक सवाल आता है कि क्या बुरुंडी को गरीब बना दिया गया या फिर बुरुंडी गरीब अपने आप बना। बुरुंडी देश गरीब बनने का सबसे मेन कारण है भूमि की कमी और मवेशियों की कमी, उच्च बाढ़ और सूखा। बाढ़, सूखा, इस तरह की समस्या आए जिसके वजह से लोगों को खाने की पीने की कमी होने लगी और इसकी पूर्ति करते करते वो इतने गरीब होते गया कि आज तक वह सबसे पहले नंबर पे आने लगा है। दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में सबसे पहले पायदान पर बुरुंडी। इस देश की आबादी लगभग 1,20,00,000 के लगभग है और इनमें से 1 करोड़ लोग गरीब हैं। और पूर्वी अफ्रीका में स्थित बुरुंडी देश पर कभी ब्रिटेन और अमेरिका ने शासन किया था। यहाँ पर 75% लोग गरीब हैं और बाकी के 35% कुछ काश ठीक हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और अगर हम बुरुंडी में बच्चों की बात करें तो बुरुंडी में आपको बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 11 वर्ष से नीचे के व्यक्ति लगभग 30% होंगे और 12 से लेकर 20 तक के लगभग 40% होंगे और 21 से लेकर 50 तक के व्यक्ति ज़्यादा हैं, लेकिन 50 से उधर के व्यक्ति बहुत ही कम हैं। यहाँ के बच्चे आपको ज़्यादातर नदियों में मछली मारते हुए देखने को मिलेंगे या फिर गांव में घूमते भटकते देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए इतने साधन भी नहीं है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, एक डंडे में जो गाड़ी का टायर होता है, बाइकों का जो टायर होता है, उसको खेलने लगते हैं, यानी कि वो अपने आप में बहुत ही मज़े से रहते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों के पास पहनने के लिए उतने कपड़े भी नहीं हैं, इनके कपड़े भी फटे टूटे देखने को मिलते हैं। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सरकार इनके लिए कोई सहायता नहीं देती। तो सरकार भी इनके लिए सहायता तो देती है, लेकिन इतने लोगों के लिए कितनी सहायता देगी। और अगर हम इनके जो राशन कार्ड वगैरह होते हैं उनको देखें तो इनका जो राशन कार्ड है वो गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड है और 1-1 करोड़ व्यक्तियों का नीचे का कार्ड होगा, तो आप सोच लो कि कितना भी मदद करेगी सरकार। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना।